गुड इवनिंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हो? अच्छे हो? थैंक यू, आई एम ऑल्सो फाइन. मैथ्स बुक, ओपन योर मैथ्स बुक पेज नंबर. मैडम कॉपी पे कराई है अभी, देखना होता है. जिसके पास मैथ्स बुक है वो मैथ्स बुक पेज नंबर 39 ट्रायंगल खोलेंगे. जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे? वो कॉपी में. तो टुडेज एक्टिविटी इज, कॉन्सेप्ट इज ट्रायंगल. ओके, वी डिस्कस ऑन ट्रायंगल. ओपन योर मैथ्स बुक पेज नंबर 39 ट्रायंगल. क्लास लगा रहे हैं, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा. गेम भी डिलीट हो गई. लुक एट द बोर्ड. वहां देखो, लुक एट द बोर्ड. एक खाली, एक तो बहुत अंदर पड़ा है. दिस इज अ ट्रायंगल. दिस इज अ ट्रायंगल. ट्रायंगल इज शेप. ट्रायंगल के कितने साइड्स है? 1, 2, 3. How many sides have a triangle? Triangle have 3 sides. 1, 2, and 3. ठीक है? अब देखो, व्हाट इज दिस? ब्रेड. व्हाट इज दिस? ब्रेड. ठीक है, ये जो ब्रेड होते हैं, ब्रेड के शेप क्या होते हैं? पहले ये होते हैं स्क्वायर शेप में. 4 साइड्स होते हैं. 1 पीस ब्रेड के कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स. कैसे? देखो, ये देखो, 4 साइड्स हैं. 1 अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, 4 साइड्स. जब हम ट्रायंगल को इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे हम कट कर देते हैं तो ये 2 पीसेस बन जाते हैं और इनके शेप हो जाते हैं ट्रायंगल. ठीक है ना? एक ब्रेड को जब हम जोड़ते हैं उसका शेप होता है स्क्वायर, और जब उसको हम कॉर्नर टू कॉर्नर हम उसको कट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? 2 ट्रायंगल्स. देखो, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड. थ्री साइड्स इसके भी सेम, 1, 2 and 3 साइड्स. ठीक है, 3 साइड्स. तो इसके अंदर जब हम वेजिटेबल्स, चीज, स्टफिंग करते हैं तब ये बन जाता है सैंडविच. जो आपको पता है, जो टिफिन में आप लोग लेके आते हैं, जो आपकी मम्मी आपको बना के देते हैं, तो ये ट्रायंगल शेप में मम्मी बना के देते हैं. और क्या होता है? ब्रेड को आप ट्रायंगल शेप में काट लो, फिर इसके बीच में मम्मी आलू के स्टफिंग करके ऐसे जोड़ के, फिर जब बेसन में डिप करके पकोड़ा बनाते हैं, या कौन सा पकोड़ा बनता है? वो ब्रेड पकोड़ा, जो आप सबको बहुत पसंद है. तो ब्रेड पकोड़ा के शेप भी क्या होता है? ट्रायंगल शेप. ब्रेड पकोड़ा के शेप क्या होता है? ट्रायंगल शेप. तो ट्रायंगल शेप में आप 2 आपके स्नैक्स बनते हैं. 1 है सैंडविच, जो वेजिटेबल्स और चीज डाल के मम्मी बना के देते हैं, ऐसी तो बोलते हैं वेजिटेबल सैंडविच.
और इसके अंदर आलू के स्टफिंग करके बेसन में डीप करके जब मम्मी पकोड़ा बनाते हैं ब्रेड पकोड़ा, वो भी ट्रायंगल शेप के। तो टू स्नैक्स आपके ट्रायंगुलर शेप में हो गया है। नेक्स्ट और क्या देख सकते हैं हम, जैसे हाउस, लुक दिस इज अ हाउस। हाउस के देखो इसमें कितने कितने शेप्स हैं, ठीक है ना, अलग अलग शेप्स के ज्वाइन करके मैंने ये हाउस बनाया। तो हाउस के जो टॉप है इसमें कितने साइड्स है, 1, 2 and 3 साइड्स, 1, 2 and 3 साइड्स, ये देखो 1, 2 and 3। ये जो 3 साइड्स है ये कौन सा शेप के है, ट्रायंगुलर शेप। तो हाउस के जो टॉप है वो भी ट्रायंगुलर शेप में है, और ये जो सैंडविच है ये भी ट्रायंगुलर शेप में। देखो 3 साइड्स है, 1, 2 and 3, और मम्मी ने जो इसमें वेजिटेबल्स के स्टफ किया ये अलग से है। तो सैंडविच के शेप भी ट्रायंगुलर शेप में है। तो आपको क्या करना है, टेक द पिक्चर्स दैट हैव ट्रायंगुलर शेप्स। तो आपको इसमें कितने पिक्चर्स आप देख रहे हो, हाउ मेनी पिक्चर्स यू कैन सी नाउ, 4 पिक्चर्स, 1, 2, 3 and 4 पिक्चर्स यू कैन सी। तो ये 4 पिक्चर में से आपको कौन कौन से आपको पिक्चर ट्रायंगुलर लग रहा है, मतलब ट्रायंगल शेप के है। तो नंबर 1 है ये हाउस टॉप, तो इसको हम क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे। और ये जो है बटन है ये ट्रायंगल शेप में, नो इट इज लुकिंग लाइक अ फ्लावर, सो इस क्रॉस, इसको हम टिक नहीं करेंगे। आप देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ सैंडविच। तो सैंडविच आल्सो लुकिंग लाइक अ ट्रायंगल, तो सैंडविच आल्सो सैंडविच को भी आपको टिक करना है। और ये देखो व्हाट इज दिस, दिस इज अ फ्लावर वास एंड फ्लावर्स, सो इट इज अ ट्रायंगुलर शेप, नो इट इज नॉट अ ट्रायंगुलर शेप। तो आपको इस फ्लावर वास को भी क्या करना है, क्रॉस करना है। तो ट्रायंगुलर शेप में आपने क्या क्या देखा है, ये हाउस टॉप, सैंडविच, ये 2 है ट्रायंगुलर शेप। तो इसमें आप पिक करेंगे और ये बॉटम एंड फ्लावर वाज क्रॉस। नेक्स्ट पिक्चर इज लुक, ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। ये देखो ट्रायंगल है जो मैंने अभी दिखाया आपको, ये ट्रायंगल है तो इसके 3 साइड्स है, और इसके कितने कोने हैं, कॉर्नर कितने हैं, हाउ मेनी कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स, 1, 2 and 3 कॉर्नर्स। ये देखो ट्रायंगल, इसके कितने कॉर्नर्स है, 1, 2 and 3 कॉर्नर्स। सर्कल, हाउ मेनी सर्कल यू कैन सी, 1, 2, 3, एंड यू कैन सी हाउ मेनी ट्रायंगल्स, 1, 2 and 3, टिक द ट्रायंगल्स ओनली। तो आपको क्या करना है, इसमें ट्रायंगल्स को टिक करना है। You can see how many circle here, 1, 2 and 3, and you can see also 3 triangles. So tick the triangles only, 1, 2 and 3 triangles को आपको circle tick mark करना है, और color the triangles। इसमें आपको क्या करना है, इनमें जो triangles है इनको आपको color करना है। तो इसमें देखो सर्कल भी है, स्क्वायर भी है, इसको आप कलर नहीं करोगे,
आप कलर किस पे करेंगे? ट्राइंगल्स पे, वन एंड टू ट्राइंगल्स. यू कैन कलर विथ एनी कलर, योर फेवरेट कलर, जैसे रेड कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, जो आपके फेवरेट कलर्स है उसमें से आपको ये टू ट्राइंगल्स को कलर करना है. आप देखो, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको कलर करना है. तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ट्राइंगल रेड कलर से कर दो, फिर करो रेड कलर. नेक्स्ट आप कौन सा कलर कर सकते हो, यू कैन यूज ब्लू कलर. ओके, तो आपने टू ट्राइंगल्स को अपने कलर कंप्लीट कर दिया. तो चिल्ड्रन, आपको फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, the pictures that have triangular shape, जिसके triangular shape है room, house top and sandwich, tick mark. And second one is tick the triangles also and color the triangles. Okay, so children do these activities in your maths book or maths copy. Next activity is English poem. English poem activity. English poem book. This is your English poem book, rhyme book. इसके है जो page number 1313. आपको पता है last 2 weeks हमने कौन-कौन से animals के discussion किए थे? Domestic animals, pet animals, farm animals and wild animals. How many type of animals we discussed last 3 weeks? Four. Good. Four. Pet, domestic, फार्म एंड वाइल्ड एनिमल्स. तो फार्म एनिमल्स में आपने देखा होगा कौन कौन से फार्म एनिमल्स है. शीप फार्म में रख सकते हैं, हॉर्स को भी आप फार्म में रख सकते हैं, और रैबिट को भी आप रख सकते हैं, और हेन, डक, इनको आप फार्म में रख सकते हैं, काउ, बफेलोज भी, क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ देखते हैं. जैसे काउ एंड बफेलो गिव अस मिल्क, ओके, and hen, duck give us meat and eggs, and sheep, rabbit give us fur, wool देते हैं. ठीक है, sheep के जो body के मुंह के बाल होते हैं ना, milk देती है, लेते हैं, हमें milk देती है, sweaters बनते हैं. तो sheep is a farm animals. Sheep is a farm animals. तो आज जो हम कोई डिसाइड करेंगे के ऊपर है, शीप के ऊपर है, ठीक है. बेबी शीप इज कॉल्ड लैम. बेबी शीप इज कॉल्ड लैम. बेबी शीप इज कॉल्ड लैम. तो मैरी हैड अ लिटिल. मैरी इज अ लिटिल गर्ल. जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो ना, किड्स हो, तो ऐसे मैरी भी छोटी सी है, लड़की है, गर्ल है, ठीक है. तो मैरी हैड अ लिटिल लैम. मैरी के क्या था, एक छोटा सा शीप के बेबी लैम था, ठीक है. उसके ऊपर अभी पोएम हम करेंगे. लेट्स स्टार्ट. मैरी हैड अ लिटिल लैम, लिटिल लैम, little lamb,
Mary had a little lamb, its skin as white as snow. इस मतलब इसकी जो छोटे छोटे बाल है वो हेयर जो है वो वाइट और स्नो की तरह बर्फ की तरह देखने में हो. तो Mary had a little lamb. Mary had a little lamb, its fleece as white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Mary had a little lamb. Mary had a little lamb, its fleece as white as snow. And everywhere that Mary went, everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. लैम्ब जो था मैरी के जो छोटे से बेबी लैम्ब जो था वो देखने में कैसे था, एकदम व्हाइट बर्फ के जो हम देखते हैं ना जब विंटर में बर्फ गिरते हैं, ऐसे उसके जो फ्लीस मतलब जो उसके हेयर है ऐसे देखने में, बहुत ही क्यूट देखने में. और क्या, वो इतना ही छोटा था, मैरी जहां भी जाती थी पीछे पीछे उसका जो छोटा सा लैम्ब था वो भाग के जाता था. मैरी स्कूल जाती थी तो लैम्ब भी जाता था, मैरी घूमने जाती थी तो लैम्ब भी पीछे पीछे जाता था. तो वो घर में रहता नहीं था, हमेशा वो मैरी को फॉलो करता था, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ इतना फ्रेंडशिप जो हो गया था उसके, ठीक है. तो चिल्ड्रेन आपको ये पोएम रिसाइट करके मुझे आपके वीडियो सेंड करना है, ठीक है, वीडियो सेंड करना है कल. और क्या करना है, ये मैथ्स के जो ट्रायंगल्स एक्टिविटीज है इसके भी पिक्चर्स मुझे सेंड करना है. ओके चिल्ड्रन, तो आज के सेशन यहीं पे कंप्लीट होते हैं. टेक केयर चिल्ड्रन, बाय 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 चिल्ड्रन, बाय.